आज हमारा वर्कआउट रूटीन का पहला दिन है एंड हम लोग लेग्स ट्रेन करने वाला है। अगर आप मुझे बहुत पहले से जानते हो तो फिर आप लोगों को पता होगा कि स्टार्टिंग से मैं हमेशा पुश पुल लेग रूटीन को फॉलो करता था, लेकिन अभी रिसेंटली ही मैंने अपना वर्कआउट रूटीन को चेंज किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे मेरा वर्कआउट रूटीन जानने में एंड मुझे भी शेयर करना था कि मैं अभी करंटली कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ। आज मंडे है एंड हम लोग लेग्स ट्रेन करने वाला है। आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आ सकता है कि आज हमने लेग्स को क्यों चूज़ किया है। उसके पीछे का रीज़न सिंपल है। संडे को जनरली मैं एक चीट मील लेता हूँ जिसके अंदर मैं रैंडमली जो भी मुझे खाना हो वो मैं खा लेता हूँ एंड बिकॉज संडे को मैंने ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम की होती है, इसकी वजह से मंडे को मेरा थोड़ा सा वेट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से मेरे पास एक सरप्लस कैलोरीज होती है जिन कैलोरीज को मुझे बर्न करना होता है एंड मुझे ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील होता है मंडे को, क्योंकि ये पहला सेशन होता है हमारा वर्कआउट का एंड बिकॉज संडे को हमने रेस्ट लिया होता है, इसकी वजह से हम ज़्यादा मोटिवेटेड भी होते हैं जिम जाने के लिए। अब अगर हम लेग्स को सैटरडे या तो फिर फ्राइडे को रखते हैं वीक के एंड के डेज में, तो फिर मे भी शायद आपको ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होगा अपने लेग्स को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट आपने पूरे वीक में इतना ज़्यादा ट्रेन किया है अपनी बॉडी को, तो फिर वो ऑब्वियस बात है कि आप मेंटली एंड फिजिकली थोड़ा सा थक गए होंगे। सो अगर आप फ्राइडे और सैटरडे को लेग्स ट्रेन करते हो तो फिर आपको ज़्यादा पुश करना पड़ता है मेंटली एंड फिजिकली फेलियर तक पहुंचने के लिए। इसकी वजह से अगर हम मंडे को लेग्स ट्रेन कर दें तो फिर सबसे मुश्किल चीज़ हमने वीक के स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर दी है। अब पूरे वीक में हमें ऐसी चीज़ों को ट्रेन करना है जिसमें हमें सचमुच में मज़ा आता है पंप फील करने में। ऑफकोर्स मुझे लेग्स ट्रेन करना भी पसंद है क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा लैकिंग बॉडी पार्ट है, आप कह सकते हो। लाइक मसल्स है मेरे लेग्स में लेकिन उसकी जो साइज़ है वो थोड़ी सी कम दिखती है, लेकिन ये नेचुरल है क्योंकि जो भी नेचुरल एथलीट्स होते हैं उन लोगों के लेग्स उनकी अपर बॉडी जितनी साइज अक्यूमुलेट नहीं कर पाता है, लेकिन इस चीज़ को आपको एज ए एक्सक्यूज देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्री वर्कआउट में हम लोग हमारा गुड ओल्ड ओट मील बनाने वाला है। पहले की तरह मैं 80 ग्राम ओट्स खाकर नहीं जाने वाला हूँ, मैं 100 ग्राम्स ओट्स हमेशा अपने प्री वर्कआउट में डालने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं ये नहीं चाहता कि जैसा इंसिडेंट उस चेस्ट डे में हुआ था वैसा इंसिडेंट वापस से हो जाए। पुश पुल लेग रूटीन से मैंने अपना रूटीन प्रो स्प्लिट में क्यों चेंज किया, इसके पीछे का मेन रीज़न रिकवरी है। जब मैं पुश पुल लेग वर्कआउट रूटीन फॉलो करता था तब मेरी बॉडी रिकवर नहीं हो पाती थी, क्योंकि पूरे वीक में मैं 2 बार हर मसल को ट्रेन करता था एंड अराउंड 12 टू 14 सेट्स मैं हर मसल के लिए ट्रेन करता था एंड उस रीज़न की वजह से मेरे मसल्स को इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि वो वापस से रिकवर हो पाए। सो जनरली जब हम पुश पुल लेग रूटीन फॉलो करते हैं तो हमें मंडे को पुश करना होता है एंड फिर थर्सडे को वापस हमें पुश करना होता है, जिसके अंदर जनरली लोग चेस्ट एंड शोल्डर्स को ट्रेन करते हैं। अब मैं मंडे को जब ट्रेन करता था अपने चेस्ट एंड शोल्डर्स को तो फिर मैं ऑल आउट जाता था एंड फेलियर तक मैं ट्रेन करता हूँ हमेशा, एंड उस रीज़न की वजह से 2 दिन मेरी बॉडी के लिए इनफ नहीं है अपने मसल्स को रिकवर करने के लिए, इसलिए मुझे ज़्यादा दिन चाहिए होता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली तो हमेशा ऐसा ही होता था कि जब भी मैं मंडे को चेस्ट ट्रेन करता था तो फिर उसके बाद मैं वापस से थर्सडे को चेस्ट ट्रेन ही नहीं कर पाता था क्योंकि मेरी चेस्ट रिकवर ही नहीं हो पाते थे। सो अगर मैं एक पुश पुल लेग रूटीन फॉलो करता हूँ एंड मेरे मसल्स रिकवर नहीं हो पाता है एंड पूरे वीक में मैं सिर्फ एक ही बार मैं उस मसल को ट्रेन कर पाता हूँ, तो फिर पुश पुल लेग रूटीन फॉलो करने का मतलब ही क्या हुआ जब मैं फर्स्ट प्लेस पर हर मसल को 2 बार ट्रेन ही नहीं कर पाता। एंड ऐसी चीज़ें सिर्फ चेस्ट के साथ नहीं होती थी, मेरे लेग्स, मेरे बैक, मेरे बाइसेप्स एंड शोल्डर्स के साथ भी होती रहते थे, जिसकी वजह से मेरे पास अब कोई रीज़न ही नहीं बचा था कि मैं क्यों पुश पुल लेग रूटीन फॉलो करूँ। इसलिए मैंने अब ब्रो स्प्लिट में अपने वर्कआउट रूटीन को चेंज कर दिया है। ओके, सो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आप एक बिगिनर हो, तो फिर क्या आपको मेरी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अब इस चीज़ का आंसर आप खुद निकाल सकते हो। हर सेशन में मैं अपने हर मसल को फेलियर तक ट्रेन करता हूँ, लेकिन अगर आपने जिम स्टार्ट किए हुए उसको अभी सिर्फ 1-2 महीने हुए हैं तो फिर क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आप अपने मसल्स को मेरे जितनी इंटेंसिटी से ट्रेन कर सकते हो? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप वीक हो, लेकिन जब हम जिम नया नया स्टार्ट करते हैं तब हमें ये फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि हम एग्जैक्टली अपनी बॉडी को कौन से लिमिट तक पुश कर सकते हैं। अब बिकॉज आपको ये प्रिसाइसली नहीं पता कि आप किस तरह से फेलियर तक पहुँच सकते हो, सो आपके लिए मे भी शायद आंसर ये हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में पुश पुल लेग रूटीन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पुश पुल लेग रूटीन फॉलो करते हो तो फिर आपको यह चांस मिल जाता है हर मसल को 2 बार ट्रेन करने का एंड ज़्यादा सेट्स परफॉर्म करने का। अगर आप फेलियर तक हर सेट में नहीं जाते तो फिर आपको अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ता है। बिकॉज मैं हर सेट में फेलियर तक जा सकता हूँ, इसलिए अगर मैं अपना वॉल्यूम कम रखूंगा तो फिर चलेगा, उससे मेरे मसल्स को कोई नुकसान नहीं होगा एंड मैं मसल बिल्ड करते रहूंगा। लेकिन अगर आप अपना वॉल्यूम पे डिक्रीज कर दोगे एंड फेलियर तक ट्रेन भी नहीं करोगे तो फिर भूल जाओ कि आपके मसल्स बनेंगे। ये लाइन ऑलमोस्ट थोड़ी सी हार्मफुल है मेरी सीरीज के लिए, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को आपसे छुपाने नहीं वाला। अगर आप बिगिनर हो तो फिर मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि आपके लिए पुश पुल लेग रूटीन ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। जस्ट बिकॉज मैं ब्रो स्प्लिट को फॉलो करता हूँ एंड मेरे मसल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मैं जैसा वर्कआउट रूटीन फॉलो करता हूँ तो फिर आपकी बॉडी मेरे जैसी बन जाएगी। आपको खुद ये फाइंड आउट करना होगा कि एग्जैक्टली ऐसी कौन सी वर्कआउट स्प्लिट है जो आपकी बॉडी के लिए परफेक्ट है, एंड इस चीज का आंसर फाइंड करने के लिए मैं इस पूरी सीरीज में आपकी मदद करने वाला हूँ। लेग डे की शुरुआत हम लोग लेग प्रेस से करने वाले हैं एंड जनरली मैं कॉर्ड्स के लिए 2 ऑप्शंस रखता हूँ, जिसमें से पहला है लेग प्रेस एंड दूसरी एक्सरसाइज है स्मिथ मशीन कॉर्ड्स। स्मिथ मशीन स्क्वाट्स आज मैं नहीं करने वाला था, क्योंकि इसके पहले के लेग के सेशन में मैंने ऑलरेडी वो एक्सरसाइज कर ली थी। पहले लेग के सेशन में मैं स्मिथ मशीन करता हूँ एंड दूसरी बार जब लेग का वर्कआउट आता है तब मैं लेग प्रेस करता हूँ। ये दोनों अल्टरनेटिव में रहते हैं। लेग प्रेस हो या तो फिर स्मिथ मशीन हो, दोनों एक्सरसाइजेस के मैं 4 सेट्स लगाता हूँ एंड रैप रेंज 10 से 12 रहती है। मैं 8 रैप्स परफॉर्म नहीं करता कोई भी लेग की एक्सरसाइज का, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही रिस्की है मेरे नीज़ के लिए एंड अब से मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेने वाला हूँ अपने जॉइंट्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2023 के जून मंथ में मेरी चेस्ट कुछ ज़्यादा ही ब्रेकडाउन हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे 6 महीने का रेस्ट लेना पड़ गया था। उसके बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे ईगो लिफ्टिंग में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड सारे रैप्स मैं बहुत ही टेक्निकल वे में परफॉर्म करने वाला हूँ, जिसकी मदद से मैं प्योरली सिर्फ मसल गेन के ऊपर फोकस कर सकता हूँ। एंड अब मेरा एम ये हमेशा नहीं रहता कि मुझे प्रोग्रेसिव ओवरलोड हमेशा करते रहना है, क्योंकि एक टाइम आता है हमेशा कि जब भी आप कंट्रोल्ड वे में वेट्स को अप डाउन करते हो तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आप रैप्स इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन वेट्स को इंक्रीज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ऑफकोर्स आप कर सकते हो एंड मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरा मेन एम हमेशा रैप्स को इंक्रीज करना होता है। सो लेग प्रेस के अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करो तो फिर आपके लेग की पोजीशन कौन सी है वो डिटरमाइन करता है कि आपके कॉर्ड्स कितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर। अगर अपने लेग्स थोड़े सा ऊपर साइड रखोगे तो फिर आपके ग्लूट्स भी एंगेज होंगे एंड जो पूरा फोकस होगा एक्सरसाइज का वो सिर्फ आपके कॉर्ड्स के ऊपर नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके कॉर्ड्स ज़्यादा एंगेज हो तो फिर अपने पैरों को थोड़े से नीचे की साइड में रखना। मैं जनरली सेंटर में रखता हूँ, ग्लूट्स को मैं अलग से ट्रेन नहीं करता। अगर मैं सेंटर में रखूँगा तो फिर मेरे थोड़े से ग्लूट्स भी एंगेज हो जाएंगे एंड मोस्टली मेरा कॉर्ड्स एंगेज रहता है, क्योंकि मुझे लिटरली अपने कॉर्ड्स कुछ ज़्यादा ही दर्द करने लगता है इन 4 सेट्स के बाद। एंड आप ध्यान से देखना कि मैं हर एक इसेंट्रिक रैप में बहुत ही कंट्रोल्ड वे में नीचे आ रहा हूँ एंड थोड़ा सा एक्सप्लोजिव पावर का यूज़ करके मैं ऊपर जाता हूँ। जब भी हम ऊपर जाते हैं तो फिर इसे कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं एंड जब हम नीचे आते हैं तो फिर इसे इसेंट्रिक बोलते हैं। हर बार आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लेग प्रेस के रैप्स परफॉर्म करो तो फिर उसके इसेंट्रिक में आपको स्लो मोशन में आना है एंड ज़रा भी फास्ट मत आना नीचे। अगर आप बहुत फास्ट आते हो तो फिर वो इंडिकेट करता है कि आपने वेट्स बहुत ज़्यादा रखे हैं। हमारी दूसरी एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन रहेगी। लेग एक्सटेंशन के मैं 5 सेट्स परफॉर्म करता हूँ एंड रैप रेंज 10 से 12 रहती है। 5 सेट्स। अब टू बी ऑनेस्ट हर बार ऐसा नहीं होता कि मैं 5 सेट परफॉर्म कर ही पाता हूँ, कभी कभी मैं 4 सेट्स ही करता हूँ, क्योंकि मेरे कॉर्ड्स लेग प्रेस के बाद कुछ ज़्यादा ही दर्द करने लगता है। एंड लेग एक्सटेंशन आप बहुत लाइटली मत लेना, क्योंकि जब भी हम कॉर्ड्स मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, जब हम ऊपर से नीचे ये जो उठक बैठक होती है, जब भी हम ये करते हैं तो फिर हमारा ऑलमोस्ट पूरा कॉर्ड एंगेज होता है, लेकिन इन टोटल हमारा थाइस के अंदर 4 मसल्स होते हैं। एंड जब भी हम लेग एक्सटेंशन ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो फिर एक ऐसा मसल एंगेज होता है जो कॉर्ड्स, जब भी हम स्कॉर्ड्स मार रहे होते हैं तब वो एंगेज नहीं होता। सो लेग एक्सटेंशन एक्चुअल में एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है एंड मैं इसको हर एक लेग के सेशन में करता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक जो नया कॉर्ड का पार्ट है वो एंगेज होता है लेग एक्सटेंशन के अंदर, लेकिन इसलिए भी क्योंकि जब भी आप लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करते हो तो फिर ये गारंटीड बन जाता है क्योंकि अब आपके कॉर्ड्स सचमुच में पूरी तरह से टूट चुके हैं। तीसरी एक्सरसाइज हमारी हैमस्ट्रिंग्स के लिए रहेगी एंड ये है लेग कर्ल्स। स्टार्टिंग में मैंने ये एक वार्म अप सेट परफॉर्म किया था एंड मैं डायरेक्टली अब वर्किंग सेट परफॉर्म करने लगा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि रेस्ट लेने की जरूरत है। आप भी इस तरह से वार्म परफॉर्म करके डायरेक्टली वर्किंग सेट परफॉर्म कर सकते हो। इसके अंदर भी मैं वो सेम रूल अप्लाई करता हूँ। जब भी आप कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट परफॉर्म करते हो, मतलब जब भी आप अपने पैरों को नीचे लेके आते हो तब आपको अगर थोड़े सा एक्सप्लोसिवनेस को यूज करना है तो फिर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप इसेंट्रिक मूवमेंट परफॉर्म करो, जब आप अपने पैरों को नीचे से ऊपर लेके आओ तो फिर आपको बहुत कंट्रोल्ड वे में आना है। एंड आप देख सकते हो कि मैं इस एक्सरसाइज को किस तरह से परफॉर्म कर रहा हूँ। जब भी मैं नीचे आता हूँ तब मैं थोड़ी स्पीड में आता हूँ एंड जब मैं ऊपर जाता हूँ तब मैं बहुत स्लोली जाता हूँ। हमारी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी स्टैंडिंग काफ रेजेस। अब इसमें ऑप्शंस रहते हैं स्टैंडिंग काफ रेजेस और सीटेड काफ रेजेस। पहले वीक में मैं सीटेड करता हूँ, फिर मैं दूसरे वीक में स्टैंडिंग करता हूँ, फिर थर्ड वीक में सीटेड एंड फिर फोर्थ वीक में स्टैंडिंग। इस तरह से मैं इसको अल्टरनेट वे में परफॉर्म करता हूँ। सीटेड काफ रेजेस एंड स्टैंडिंग काफ रेजेस ये दोनों मूवमेंट्स परफॉर्म करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें एक्चुअल में थोड़े से अलग अलग तरह के काफ के मसल्स एंगेज होते हैं। सो मुझे पता है कि सीटेड काफ रेजेस करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आपको शायद सीटेड काफ रेजेस ज़्यादा पसंद आती होगी, लेकिन सिर्फ आपको सीटेड काफ रेजेस पसंद आती है इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटली एलिमिनेट कर दोगे स्टैंडिंग काफ रेजेस को। ये दोनों एक्सरसाइजेस, ये दोनों मूवमेंट्स करना ज़रूरी है अगर आपको अपने काफ्स को ग्रो करना है तो। काफ के बारे में आपने ये एक चीज़ सुनी होगी कि ये ऐसा मसल है जिसको जब भी आप इसमें वर्किंग सेट लगाते हो तो फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने फेलियर को टच कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में आपने फेलियर को टच नहीं किया होता क्योंकि स्पेशली इसके अंदर ऐसे मसल फाइबर्स होते हैं जो जल्दी थकते नहीं हैं एंड ऊपर से ये बहुत छोटा मसल है, इसलिए आपको रैप्स हमेशा ज़्यादा लगाना है। एंड ज़्यादा का मतलब 10 to 12 ही है, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि जब आपको ऐसा लगने लगे कि ओके अब मुझसे एक भी रैप नहीं होगा तो फिर आपको बस वापस से सिर्फ एक और बार ट्राई करनी है कि क्या आपसे एक और रैप हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ना हो रहा हो तो फिर अच्छी बात है, आप फेलियर को टच कर गए। एंड अगर आप अभी भी कर पा रहे हो तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने अभी भी फेलियर को टच नहीं किया है एंड आपके पास अभी भी रैप्स रिजर्व में पड़े हुए हैं, इसलिए आपको वापस से रिपीटेशंस परफॉर्म करना स्टार्ट करना होगा। मे बी अभी और आप 2 या 3 रिपीटेशन लगा पाओगे। ये एक्चुअल में एक स्टडी है कि मेजोरिटी ऑफ द लोग 5 to 3 रैप्स हमेशा रिजर्व में रखते हैं, मतलब 5 to 3 रैप्स वो लोग और लगा सकते हैं लेकिन वो लोग नहीं लगाते क्योंकि वो फेलियर तक पहुंच चुके हैं। अब बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि वो लोग फेलियर तक पहुंच चुके हैं इसलिए वो लोग 3 से 5 रिपीटेशन रिजर्व में रखते हैं। अब ये भी सच है कि अगर आप 3 रैप्स रिजर्व में रखते हो तो भी आपने ऑलमोस्ट 70% ऑफ द मसल गेन्स को अचीव कर लिया है, लेकिन क्या आपको सचमुच में सिर्फ 70% ऑफ द मसल गेन्स चाहिए? मुझे 100% चाहिए एंड अगर आपको भी 100% मसल गेन्स चाहिए हो तो फिर आपको इस तरह से आप 3 रैप्स रिजर्व में नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि आप फेलियर तक पहुंच चुके हो एंड आप किस तरह से एनालाइज कर सकते हो कि आप फेलियर तक पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो। इस चीज़ के बारे में हम डे 2 में बात करेंगे कि आप एग्जैक्टली किस तरह से फेलियर तक पहुंच सकते हो। फिटनेस इंडस्ट्री में ये एक और मिसकंसेप्शन है कि वर्कआउट करने के बाद हमें डायरेक्टली किसी तरह का प्रोटीन शेक लेना पड़ता है, जो ऑब्वियसली सच नहीं है। ये थोड़ा सा सच है क्योंकि वर्कआउट करने से पहले और वर्कआउट करने के बाद आपको कोई ऐसी मील लेनी पड़ती है जिसके अंदर प्रोटीन हो। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रोटीन वर्कआउट से पहले लेते हो या वर्कआउट के बाद लेते हो, आपको बस प्रोटीन लेना जरूरी है। सो ऐसा कोई जरूरी चीज नहीं है कि जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद आपको पानी के अंदर वे प्रोटीन मिक्स करके जल्द से जल्द पी जाना है ताकि जो भी आपने मसल्स डिस्ट्रॉय किए हैं वो वापस से जल्द रिकवर होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी वर्कआउट से पहले वे प्रोटीन कंज्यूम कर लिया है तो फिर आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रोटीन है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी वर्कआउट खत्म हो गया है, मैं घर पर आ गया हूँ, उस समय डायरेक्टली अपना लंच करने वाला हूँ, मैं किसी तरह का वे प्रोटीन कंज्यूम नहीं करने वाला। ये जो पूरी वर्कआउट की सीरीज है ये कंटिन्यू रहने वाली है एंड ये सिर्फ पहला पार्ट था, ये सिर्फ पहला दिन था। इस तरह से 5 और दिन आने वाला है एंड ये सीक्वेंस में आने वाला है, सो एक भी दिन मिस मत करना। अब मैं बस 2 MCQ रीड करने वाला हूँ इस बुक में से। ये ड्राइविंग लाइसेंस की बुक है एंड कल मेरी एग्ज़ाम है दोबारा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 1 महीना पहले दे दी थी, लेकिन किसी मैंने दी नहीं थी, मैं बस देने वाला था, लेकिन किसी तरह के टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया एंड कैंसिल हो गया एग्ज़ाम। एंड अब दोबारा कल मुझे जाना है एग्ज़ाम देने के लिए एंड मुझे एक भी MCQ याद नहीं है, सब मुझे बस एक बार रीड करने हो गए सारे MCQs ताकि मैं फेल ना हो जाऊँ। एंड हाँ, अगर आप अपनी जॉलाइन को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको फेशियल एस्थेटिक्स के बारे में ज़्यादा चीज़ें जाननी हो, अगर आपको जानना हो कि किस तरह से मैंने अपना फेस ट्रांसफॉर्म किया है एंड आप इस पूरे फेशियल एस्थेटिक्स के एरिना में बहुत इंटरेस्टेड हो एंड आप चाहते हो कि आप ज़्यादा गुड लुकिंग दिखो, तो फिर उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द MoggersBlue Print। उसको चेकआउट करना मत भूलना, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।